घने कोहरे के कारण तेनुआ टोल प्लाजा से बाघागाड़ा फोर लेन के बीच बुधवार को एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में भिड़ी, पलटी एक बस, 11 यात्री हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भिजवाया अस्पताल। यात्रियों की स्थिति है सामान्य, एसपी नॉर्थ ने बताया। आपस में टकराई वाहनों को फोर लेन से हटवाकर आवागमन करवा दिया गया है चालू। रोडवेज की बसों से रात में सफर करने पर लगा लगाम, अगले आदेश तक शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक बसों के संचालन पर लगी रोक। एआरएम रोडवेज पी के तिवारी ने कहा, रोडवेज मुख्यालय ने तत्काल प्रभाव से रात्रि बस सेवा पर लगा दी है रोक। अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के सरगना अमन मिश्रा सहित 6 सातिर चोरों को बेलघाट व स्वाट पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। चोरी की 11 मोटरसाइकिल को किया बरामद, भेजा जेएलएसपी साउथ। अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त जवाहर यादव की 126 करोड़ की अवैध संपत्ति को खोराबाड़ थाने की पुलिस ने किया जब्त। 450 करोड़ से अधिक की संपत्ति की जाएगी जब्ती। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की माता गुजर कौर एवं 4 सुपुत्रों के बलिदान को नमन कर सिख समाज ने निकाली नमन यात्रा। कहा, देश व धर्म की रक्षा में नहीं जा सकता भुलाया सिख धर्म के वीरता, साहस और बलिदान गाथा को। मेरी क्रिसमस समारोह कार्यक्रम के तहत बुधवार को प्रस्तुत किया गया प्रेम का संदेश नामक नाटक। कहा, प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर हम सभी को चलना चाहिए प्रेम एवं भाईचारे के साथ। रज्जू भैया विश्वविद्यालय की टॉपर बनी गोरखपुर की बिचिया, समृद्धि स्नातक विज्ञान में सर्वाधिक अंक हासिल करने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों मिला गोल्ड मेडल। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों की शहादत की स्मृति में राष्ट्र वंदन समिति एवं राष्ट्र वंदन युवा परिषद के द्वारा असहाय एवं गरीबों को वितरित किया गया कंबल। और जनपद में तापमान गिरने के साथ बढ़ गई है ठंड और ठिठुरन। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय काफी घना कोहरा होने की है संभावना।